जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण, मैं अपने चैनल पुरातन विज्ञान पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक दिव्य औषधि लेकर आया हूँ। इसकी जानकारी इतनी महत्वपूर्ण और इतनी आश्चर्यपरक है कि जिसे आप सुनकर देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि भाई ये चीज़ हमारे नज़दीक में इतने वर्षों से पड़ा है और हम इसके गुण को जानते कैसे नहीं हैं। आयुर्वेद में एक बहुत बड़े महर्षि हुए हैं जिनका नाम है वाग्भट्ट। वाग्भट्ट जी ने आयुर्वेद में जितने भी रोगों का इलाज उन्होंने किया है वो सिर्फ भोजन के माध्यम से किया है। आजकल हम इसी विषय के ऊपर अनुसंधान करके एक खास औषधि को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिसके फायदे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा। इस वीडियो के बारे में आपको एक चीज़ कहना मैं चाहूँगा कि वीडियो अगर आप पूरा आर पार नहीं देखेंगे तो या शुरू में देखेंगे बाद में नहीं देखेंगे, या बाद में देखेंगे शुरू में नहीं देखेंगे, तो ये पूरा सिलसिला आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू में हम बताएंगे इस औषधि के विषय में कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसको खाया कैसे जाता है, और अंत में बीच में बताएंगे कि किस रोग में किस मात्रा में खाया जाता है, और अंत में बताएंगे आपको कि इस औषधि का नाम क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये एक औषधि है, ये उजले रंग का है। इसका एक विधि जो खाने का है कि इस तरह इसको हम लेते हैं, एक मिट्टी का बर्तन चाहिए। इस मिट्टी के बर्तन के बीच पेंदी में ऐसे इसको जमा दीजिए। इसके जमाने के बाद इसमें धीरे से साइड से पानी डालिए। और इस डाले हुए पानी को आप शाम में डालिए और सुबह तक ढक के छोड़ दीजिए। इसका इस्तेमाल कल सुबह से होगा। दूसरा चीज़ है कि ये औषधि का एक गेहूं का दाना है, देखिए बस गेहूं के दाने के बराबर ही गोली बनानी है आपको। गेहूं के दाने के बराबर बराबर गोली इस तरह बना के आप कहीं पे रखिए। गेहूं के दाने के बराबर बराबर ही गोली बनाना है आपको। बड़ा हो तो उसे छोटा कर लीजिए। इसको आप सुखा के किसी एयर टाइट डिब्बे में भी रख सकते हैं एक साथ बनाकर। ये तो हो गई कि औषधि, ये दो ही तरीके से लिया जाता है, एक गोली के रूप में और एक मिट्टी के बर्तन में पानी डाल के 12 घंटे के बाद इसका जो सत्व पानी में मिलता है उस रूप में इसको लिया जाता है। आइए अब हम शुरू करते हैं इस औषधि के आश्चर्यजनक गुणों के बारे में। पहला गुण बचपन से शुरू करते हैं। इंसान जब पैदा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि पैदा के साथ ही लगता है कि इसका कुपोषण का शिकार है, इसका पोषण ठीक से नहीं हुआ है। पतले पतले पांव होते हैं, पतले पतले हाथ होते हैं, पेट निकला हुआ सा होता है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारी बात बोली जाती है, विटामिन की कमी है, कुपोषण का शिकार है, कैल्शियम की कमी है। तो शुरू में जो मैंने आपको बताया कि इसके पानी का सत्व, इस औषधि के पानी का सत्व, ये जब बच्चे वो ऐसे बच्चे को इस पानी का सुबह सुबह इस पानी में से ऊपर से आधा चम्मच, एक महीने से 8 महीने तक के बच्चे के लिए आधा चम्मच सुबह सुबह खाली पेट पिलाएं, 8 महीने से लेकर 8 साल तक के बच्चे को एक चम्मच सुबह सुबह खाली पेट पिलाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा? बच्चे का हड्डी सुदृढ़ होगा, मस्तिष्क का विकास होगा, उसके पोषण का सुनिश्चित वातावरण शरीर के अंदर बनेगा, बच्चा तीव्र बुद्धि का होगा, बच्चे को ऑस्टियोपोरोसिस गठिया किसी तरह की शिकायत नहीं होगी, बच्चा का शरीर सुदृढ़ और सुडौल होगा। तो एक चीज़ ये है। दूसरी बात, कोई आपको कहे कि गर्भ में पल रहे बच्चा हमारा गोरा हो, बुद्धिमान हो, इसके लिए कोई औषधि है क्या?
तो जी हाँ, वो औषधि है, वो यही औषधि है। इसके सेवन का तरीके के विषय में जानिए। ये जो बनाया गया है, ये गेहूं के दाने के बराबर गोली, गर्भवती माता को एक कप अनार का रस में एक गोली मिलाइए और सुबह सुबह खाली पेट पूरे 9 महीने उनको दीजिए। इससे क्या होगा, पेट में पल रहा बच्चा माता पिता के बनिस्पत ज़्यादा गोरा होगा, माता पिता के बनिस्पत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उस माँ को कभी अनीमिया या किसी भी विटामिन के कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा, बच्चे में आनुवंशिक रोग, जो कोई बहुत सारे रोग होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं, वो रोग बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होगा, उस माँ को 99% दावा है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, वो बच्चा जो पैदा होगा उसमें इम्यून सिस्टम, रोग से लड़ने की क्षमता अन्य बच्चों की अपेक्षा 70 से 80 गुना ज़्यादा होगा, भविष्य में जीवन में वो बच्चा कभी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। ये दावा है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वाग्भट महर्षि का कि ऐसा होगा। ये कोई सुनी सुनी बात, कोई कथा नहीं है, ये पूरा आयुर्वेद के विज्ञान पर आधारित बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका वर्णन वाग्भट साहब ने आयुर्वेद के पुस्तक में किया है। ये अब हम जानते हैं इस औषधि के दूसरे गुण के विषय में। आप देखते होइएगा कि कोई कोई बच्चा रात में सोते समय बिछावन पर पैर बहुत पटकता है, बार बार उसे दबाने के लिए बोलता है माँ को, ठीक से सोता नहीं है, सोते सोते में जग जाता है दर्द के कारण। इसका कारण है गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके कारण उसको दर्द होता है, जिसके कारण वो सो नहीं पाता है। अब इसमें एलोपैथ में जाइए, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा उसको देनी पड़ती है, कभी कभी कोई डॉक्टर तो पेनीडोर 12 लाख 6 लाख तक लिख देते हैं। अब समझिए, अगर बच्चे को उतनी पावर की दवा दी जाए तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। अगर आपका बच्चा 8 साल से नीचे का हो तो बस इसी औषधि का सत्व पानी वाला एक चम्मच रोज सुबह सुबह खाली पेट 3 महीना पिलाइए, बच्चे का पैर का दर्द ठीक, हड्डी का विकास होने लगेगा, ठीक से खाने लगेगा, ठीक से सोने लगेगा। अगर आपका बच्चा 8 साल से ऊपर है तो इसकी एक गोली 2 चम्मच दही में डालकर सुबह सुबह खाली पेट खिलाइए। एक गोली गेहूं के दाने के बराबर 2 चम्मच दही के साथ सुबह सुबह खाली पेट पिलाइए। ये हो गई औषधि का एक गुण। अब आते हैं औषधि के तीसरे गुण पे। उसमें क्या है कि जब महिलाएं ज़्यादा उम्र की हो जाती है तो एक उनके शरीर की अवस्था होती है मेनोपॉज, जब मासिक धर्म उनका छूटता है, उस समय उनके शरीर में बहुत सारी विकृतियां आने लगती है, बहुत सारी परेशानियां आने लगती है, ज़्यादा खून का आना, चिड़चिड़ा हो जाना, बाल झड़ना, कमर में दर्द होना, पिंडली में दर्द होना। उस अवस्था में ये इसी औषधि का एक गोली 1/2 कप सुसुम पानी के साथ रोज़ सुबह सुबह खाली पेट दीजिए। 1/2 कप सुसुम पानी के साथ रोज़ सुबह सुबह खाली पेट दीजिए 3 महीना, सारा प्रॉब्लम ठीक, उस अवस्था को महिला माताएं आसानी से पार कर जाएंगी। अब आगे के गुण पर आइए, देखिए कि ये औषधि कितना गुणकारी है। किसी भी उम्र में अगर आप चाहते हैं कि आपकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाए, इसी दवा की एक गोली चाहे तो आप 2 चम्मच दही के साथ ले सकते हैं या 1/2 कप सुसुम पानी के साथ ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके साथ हैं। लगातार 6 महीने खाइए। किसी भी उम्र में आपकी हाइट जितनी संभावना बढ़ने की है निश्चित बढ़ जाएगी। ये एक अद्भुत गुण है इस औषधि के अंदर। कोई बच्चा विकलांग है, बहुत सारी इलाज हो चुका है, अगर ऐसी औषधि उम्र के हिसाब से अगर 8 साल से नीचे हो तो 1 चम्मच इस दवा का सत्व, नहीं तो 1 गोली सुसुम पानी के साथ लगातार 1 साल दीजिए, उस बच्चे में अद्भुत परिवर्तन आएगा, उनके हड्डी के विकास में, उनकी विकलांगता बहुत हद तक नियंत्रित हो जाएगी। कोई बच्चा मंद बुद्धि का हो, उसको भी यही दवा, 8 साल से नीचे का हो तो 1 चम्मच पानी इसका सुबह सुबह खाली पेट, नहीं तो 1 गोली सुसुम पानी के साथ।
दीजिए लगातार, उसका मंद बुद्धि खत्म होके धीरे धीरे उसका मन का विकास, मानसिक विकास होने लगेगा। तो ये है इस औषधि का अद्भुत गुण। तो देखा आपने वाग्भट महर्षि का एक रिसर्च, एक छोटे से औषधि के ऊपर प्रमाणिक रिसर्च जो हमने आपको बताया। अब आप इसको जीवन में उतारिए, आप समझते होइएगा कि यह औषधि है क्या। इतनी सस्ती औषधि और हम लोगों के आसपास 24 घंटे मौजूद औषधि। इस औषधि का नाम है चूना। ये चूना है, लेकिन एक बात, चूना दो प्रकार का होता है, एक सीप को जला के बनता है और एक पत्थर को जला के बनता है। तो बागभट्ट साहब कहते हैं कि ये सीप का बना हुआ चूना नहीं होना चाहिए, ये पत्थर का चूना होना चाहिए, तभी ये फायदेमंद है। सीप का चूना खाने लायक नहीं मानते हैं बागभट्ट साहब। दूसरी बात, बागभट्ट महोदय कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसको पित्त और पत्थरी की बीमारी हो, जिसको गॉल ब्लैडर में पत्थरी हो या किडनी में पत्थरी हो, सिर्फ वही एक व्यक्ति इस दवा को नहीं ले सकता है। वैसे अन्यथा इस दवा को हर व्यक्ति हर जीवन के उम्र के पड़ाव पर लेके अपने शरीर को सुदृढ़ और पोषित कर सकता है, स्वस्थ प्रसन्न रह सकता है। तो आइए इस दवा का लाभ उठाएं, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय हिंद, जय भारत।